मिशा जी, ये जो कार्रवाई हुई है आपका विश्लेषण क्या कहता है? प्लीज किसी का ऑडियो ऑन है उसे एक बार म्यूट कर लीजिएगा, पास में टेलीविजन चल रहा है शायद किसी के। मिश्रा जी, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए मैम, अगर कोई चीज न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आ गई है, ईडी वगैरह ने उनको समन दिया हुआ है, तो उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, रेदर देन ये कहने से कि आप पब्लिक में, मीडिया में और अखबारों में ये बोलिए कि हम कट्टर ईमानदार हैं। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि इन्हीं की पार्टी के एमएलए नेता वगैरह दिल्ली के दंगों में भी शामिल रहे हैं, ऐसे आरोप लगे हुए हैं। पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री का हाल आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये चीज हुआ है, तो ये केजरीवाल जी जाकर के वहां ईडी के सामने जाकर के गवाह की तरह बोले ना कि मैं बोलता हूं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, गवाहों की लिस्ट में अपना नाम डाले, न्यायपालिका के सामने जाके बोले। सम्मान करने की बजाय आप चुनौती, एक तरीके से ये आप चुनौती दे रहे हैं न्यायिक प्रक्रिया को, आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं कि आपके कहने से कहीं किसी का परसेप्शन बदले। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर न्यायिक प्रक्रिया चल रही है तो आप सहयोग करिए, और दूसरी चीज अगर आप इतने कट्टर ईमानदार हैं तो आपका प्रथम कर्तव्य ये होता है कि आप अपने मंत्री महोदय से इस्तीफा लीजिए या उनको टर्मिनेट करिए, उनकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था दीजिए, ताकि सरकार, आपके सरकार का, दिल्ली सरकार का जो है काम प्रभावित ना हो। उसके बारे में इनको बात नहीं करना है। न्यायिक प्रक्रिया को चुनौती देना, ईडी के सिस्टम को चुनौती देना, ये एक बहुत गलत परंपरा का, चुनाव जीत जाने का मतलब ये नहीं हो गया कि आप हर चीज को राजनीति से जोड़ते चले जाइए कि अब तो जी 2024 में चुनाव है इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। आप अपराध भारत में कभी भी करिए, 10 साल पहले, 20 साल पहले भी अपराध होते हैं, किसी कारणों से वो 20-20 साल के बाद डिस्क्लोज होते हैं, उनके क्लूज पता चलते हैं, तो उस पे भी केस चलता है। तो ये कहना कि ठीक है डिले नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कहना कि 8 साल पर, अरे आपने अपराध ही 8 साल पहले किया था, अगर उसके पहले किए होते तो कोई और सरकार होती तब भी होता, तो जांच पूरी चलती रही बीच में, चूंकि इन्फ्लुएंशियल लोग आप है ही, हो सकता है जांच को आपने प्रभावित किया हो किसी तरीके से। तो जब भी ये प्रक्रिया हो रही है, जिस स्टेज पे हो रही है, आप उसका सम्मान करिए। अगर आप कट्टर ईमानदार हैं, आप सहयोग करिए ईडी को और न्यायपालिका को। एक चीज सर, मुख्यमंत्री क्लीन चिट देते रहे, वो उनकी कैबिनेट का हिस्सा है, उसका मुझे लगता है कि जांच प्रक्रिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ईडी हो या सीबीआई हो या बाकी एजेंसी भी अपना काम करे। ये तो शायद मोराल, शायद ये मोराल काडर का बनाए रखने के लिए भी कई बार फर्क पड़ता है। अच्छा, तो आप उसे बताइए सर, किस तरह से? हाँ बताइएगा सर। बहुत बारीक सा डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ। प्लीज, हाँ प्लीज। हमने बहुत ही कम ऐसे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रहे हो। नॉर्मल ये होता है कि किसी भी पार्टी पे अगर किसी बड़े नेता पे ऐसे आरोप लगते हैं तो जो उनका टॉप लीडर है, जो उनका मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है, वो या तो मौन धारण कर लेता है यानी सपोर्ट नहीं करता है। ये ऐसी प्रथा को जन्म दे रहे हैं कि समूह में जाके, मीडिया में जाके खुल्लम खुल्ला ये चैलेंज कर रहे हैं। इसके बाद किस तरह की प्रथा शुरू होगी, आप मुझे ये बताइए। या तो आप मौन धारण किए रहिए, या आप बिल्कुल भी समर्थन पक्ष विपक्ष में बिल्कुल मत बोलिए। आपको मीडिया में जाके देने का मतलब, ये बयान देने का मतलब ये है कि आप मोरल सपोर्ट और पॉलिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ना। तो इसे किससे जोड़कर देखें, अहंकार से या उत्साह से? एक शब्द में सर। नहीं, अहंकार से नहीं, आप इसको अहंकार ही बोलिए, राजनीतिक रसूख का अहंकार कि दो दो जगह हमारी सरकार है और हमारे साथ जन समर्थन है, तो हम हो सकता है ऐसे कर लेंगे, कुछ राह में रोड़े अटकाएंगे, लेकिन वो काम नहीं आएंगे। ठीक है, केंद्र सरकार ने, न्यायपालिका कह रही है इस देश की कि केंद्र सरकार ने जांच एजेंसियों को पालतू तोता बना के रखा है, लोगों को जांच। अरे न्यायपालिका पीएसी बोल रही है कि 9 दिन की रिमांड भेजे तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? वही न्यायपालिका पीएसी इनको 9 दिन की रिमांड पे भेजे और जांच करे तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? जांच एजेंसियों को स्वतंत्र तो कीजिए। एक सेकंड, ठीक है, जांच एजेंसी न्यायपालिका की आज्ञा का पालन कर रही है ना? जितने भी एमएलए हैं, जितने भी हमारे विधायक हैं, उनके ऊपर जितनी भी जांच एजेंसियों ने आज तक केस डाले, दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर भी आपने छापा मार के दिया। ठीक है, एक मिनट ऑडियो म्यूट कीजिएगा। एके मिश्रा जी, ठीक है सर, आवाज किसी की नहीं जा पा रही। एके मिश्रा जी, मैं एक सवाल आपसे रखती हूँ। इस देश ने देखा है जब जब विधायिका बेलगाम हुई है, मैं इस शब्द का इस्तेमाल करती हूं, न्यायपालिका ने इस देश को संभाला है, और आप तो मुझसे बहुत ज्यादा अनुभव रखते हैं सर, आप इसे बारीकी से बताएंगे। विधायिका बेलगाम होती है, न्यायपालिका संभालती है इस देश को, हजारों ऐसे किस्से होंगे जब सुप्रीम कोर्ट खड़ा हुआ है इस देश के लिए, तो ये, क्या ये बात है ना? तो है, मैं, हाँ सर, मैं, हाँ सर, इसी पर आप, मैं आपसे जरूर बात चाहूंगी, लेकिन
वो दौर भी हमें याद है जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पिंजरे का तोता कहा गया था, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। ये राजनीतिक दलों ने, क्या ये फैशन सच में नहीं हो गया है? अगर हमारे माकूल चीजें हैं तब तो सारी एजेंसीज बहुत अच्छी हैं, अगर नहीं है तो फिर आप अपशब्द इस्तेमाल कीजिए उनके लिए। ये क्या प्रचलन शुरू हो रहा है? मैं आपको बताता हूँ, कोर्ट फिर भी डिसिप्लिन रहती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, माननीय जज वगैरह होते हैं, उनके लिए गाइडलाइन होती है और एक मोरल प्रेशर उनके ऊपर होता है। ये जो विधायिका है ना, स्पेशली जो नवागंतुक है, जो नई पार्टियां बनी है, नए विधायक बने हैं, ये पावर में आते ही एकदम छुट्टा सांड की तरह बिहेवियर शुरू कर देते हैं। अरे वही ध्यान रखिएगा किसी के लिए, प्लीज सुनिए, लेकिन सुनिए सर, हाँ हम शब्द अच्छे रखेंगे सर। पंजाब में एक विधायक को भेज दिया, वो किसी भी पार्टी को, अरे तो न्यायपालिका ने ही जेल भेजा है। यहाँ पे भी न्यायपालिका बोल रही है कि भाई 9 दिन का आप रिमांड ले लीजिए। न्यायपालिका के अंदर मोराल इतना है कि भले ही 14 दिन की रिमांड मांगी गई, लेकिन न्यायपालिका ने यह देखा कि 14 दिन नहीं, 9 डेज, इट इज मोर देन एनफ, ये सफिशियंट है। तो न्यायपालिका ये सिद्ध करता है कि न्यायपालिका किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आता, जांच एजेंसियों के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आता है, वो कानून और संविधान के हिसाब से चलता है। अगर जांच एजेंसियों के इन्फ्लुएंस में न्यायपालिका आ गई होती तो 14 दिन की रिमांड दे दी होती। बात इनिशिएट जांच एजेंसियां जरूर करती हैं, लेकिन एक लेवल पे जा करके सब कुछ न्यायपालिका के अंतर्गत होता है। जब कोर्ट में फाइल प्रारंभिक रूप में जो है वहां पे जमा कर दी जाती है, अर्जी लगा दी जाती है, तो उसके बाद जांच एजेंसी भी न्यायपालिका के गाइडलाइन पे काम करती है कि भाई सबूत लाओ, ये करो, देर क्यों हो रही है, जल्दी करिए, ये रिमांड लीजिए, या कई बार न्यायपालिका रिमांड देने से मना कर देती है। और रही बात सुप्रीम कोर्ट का, जो ये लोग बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई ये तोते, मैं आपको बताता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट देखती है कि परिस्थिति खराब है तो मोरल हथौड़ा इस तरीके से चलाती है ताकि इंप्रूवमेंट हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला था एक बहुत इंपॉर्टेंट मामले में कि सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन नहीं देती है, राय और सलाह नहीं देती है, जजमेंट देती है। कई बार ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट का इशारा ही काफी होता है, थोड़ी सी भी बात अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो विधायिका को, कार्यपालिका को और जितनी जांच एजेंसियां हैं उनको समझ जाना चाहिए कि हम वापस ट्रैक पे आ जाएं। ठीक है, अब ये कोर्ट को भी चुनौती कर रहे हैं। मैं तो केजरीवाल से बोलूंगा भाई वो एक बार ऐसे बोल दें कि मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं कि ये जो है निर्दोष है, मैं तब मान लूंगा ये कट्टर ईमानदार है। खाएं अपने हर बात में ये बच्चों सर, की प्लीज, कसम बच्चों, खा के बोलते नहीं, सर प्लीज बच्चों को ना लाइए सर, प्लीज, इन्हीं का स्टेटमेंट ठीक है, वो सर पुरानी बातें हो गई, लेकिन हम एक हेल्दी चर्चा कर रहे हैं, बच्चों को उनसे उससे दूर रखते हैं। मैं खुद इसकी मुखालफत करता हूं, क्योंकि मैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं।